देखो, सो इन द प्रीवियस क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द माइका फराडे एंड वी हैव बिल्ट द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस क्लासेस अबाउट द न्यूटोनियन फिजिक्स, द प्रॉब्लम विथ अ न्यूटोनियन व्यू. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? एनी 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 वन मतलब फोर्स का प्रॉब्लम? डिस्टेंस चेंज होने से इंस्टेंटेनियसली फोर्स का जो वैल्यू यस, एक्शन एट अ वो चेंज हो डिस्टेंस, रही थी एक्शन एट अ एक्सटेंट डिस्टेंस. यस, यू कैन से दैट एक्शन इंस्टेंट. एट अ डिस्टेंस. यस, सो इंस्टेंटली व्हेन द स्टेशनरी बॉडी इज चेंजिंग, देयर इज अ एनी मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट. ओके, द फोर्स इज चेंजिंग इंस्टेंटली, चेंज इन दैट बॉडी, राइट? सो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द न्यूटोनियन फिजिक्स, हाउ दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड. एंड फर्दर वन मोर प्रॉब्लम वॉज देयर, दैट प्रॉब्लम इज आई थिंक यू नो, कैन यू टेल मी व्हाट वॉज दैट प्रॉब्लम? सेकेंड प्रॉब्लम वॉज फोर्स इज, यस, फोर्स इज एक्टिंग अमॉन्ग इन द लाइन ऑफ यू नो द लाइन कनेक्टिंग द टू ऑब्जेक्ट ना, यस और नो? बट इन द मैग्नेटिक फील्ड और इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू नो, द ड्यू टू द सम फोर्स एक्ट एट द परपेंडिकुलर और द साइडवेज ऑल्सो, राइट? सो हाउ दिस टाइप ऑफ हाउ दिस इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड, राइट? न्यूटन सेड ओनली दैट द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द लाइन ऑफ फोर्स, राइट? हाउएवर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड और इन द फोर्स ड्यू टू द चार्जेस, द फोर्स इज एक्टिंग आइदर ऑन द परपेंडिकुलर और द साइडवेज ऑल्सो, राइट? सो सच टाइप ऑफ इफेक्ट हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द न्यूटोनियन फिजिक्स, एंड देयर फोर द अनदर टाइप ऑफ द मेथड हैज बीन ऑब्जेक्टेड टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ इफेक्ट्स. ओके, सो इन द थर्ड पिक्चर यू कैन सी हेयर द व्हेन द मैग्नेटिक बार, द डायरेक्शन, देर इज सम मूवमेंट इन द मैग्नेटिक बार इज ऑकरिंग. यू कैन सी दैट द आयरन, द अलाइनमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग इज चेंजिंग. ओके, द अलाइनमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग इज चेंजिंग. सम लाइन ऑफ एक्शन, लाइन, सम फील्ड लाइन इज गोइंग टू ऑकर्ड इन द स्पेस. ओके, सो व्हाट इज दैट फील्ड? सो बिफोर दैट यू कैन, फॉर दैट पर्पस आई एम जस्ट टेकिंग वन ब्लैंक स्लाइड. ओके, सो इन द न्यूटन, इन द केस ऑफ द न्यूटन, यू कैन से सिंपली ए, इफ द टू बॉडी ए एंड बी. ओके, सो ए एग्जर्ट फोर्सेस डायरेक्टली ऑन बी एंड इंस्टेंटली, एट इंस्टेंट. इफ ए इज मूविंग और बी इज मूविंग, देन द दैट फोर्स इंस्टेंटली चेंजिंग. ओके, हाउएवर इन द फराडे कॉन्सेप्ट इज देयर, ए से जो बी में फोर्स लग रहा है वो फोर्स सिंपल नहीं लग रहा है. वो क्या कर रहा है कि वो स्पेस में कुछ चेंज हो रहा है. देर इज समथिंग चेंजिंग इन द स्पेस. इफ ए द मूवमेंट ऑफ ए ऑफ द मूवमेंट ऑफ बी इज ऑकरिंग, और लेट से नॉट स्टेस ए एंड बी आर इन द स्टेशनरी, देन देर इज चेंज, देर इज समथिंग हैपनिंग इन द स्पेस एंड दैट इज ट्रांसफरिंग द फोर्स फ्रॉम ए टू बी. और इफ ए इज चेंजिंग, द मूवमेंट इज ए, इफ ए इज चेंजिंग और द बी इज ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, चार्ज इज चेंजिंग, राइट, देन अगेन देर इज चेंज, देर द सडन चेंज ऑकर्ड इन द यू नो स्पेस. वो कैसे, इसको कैसे समझा जाए? इसको समझने के लिए आप समझ सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ऐसे समझिए, वी हैव, लेट से आप इसको देख रहे हैं, यहां पर एक, देर इज वन क्लॉथ. ओके, एंड सपोज दैट वन बॉल इज पुटेड इन दैट क्लॉथ. वॉट हैपन? ये सेंटर पे चला गया, सेंटर पे जाके स्टेशनरी हो गया, राइट? यस और नो? तो इससे, इसके चलते क्या हुआ, ये हमने इसका, अगर ये बॉल नहीं था यहाँ पर, लेट से कुछ देर पहले जब बॉल नहीं था, व्हेन द बॉल वाज नॉट प्रेजेंट, ये पूरी तरह से स्ट्रेच्ड था, राइट?
बट जैसे ही इस पर बॉल डाला गया, यहां पर स्पेस में, अगर इसको हम कहें कि कुछ देर के लिए स्पेस है, लेट से वी आर कंसिडरिंग देयर इज सम स्पेस इज हियर, ये सब स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस है, तो हो क्या रहा है, यहां से यहां पर एक इंक्लाइंड वे में आपका एक चेंज आ जा रहा है अपने आप। और जैसे ही बॉल, कोई बॉल आप यहां पर डाल रहे हो, लेट से सम बॉल इज पुटिंग हेयर, ये ऑटोमेटिकली इट दिस बॉल विल अट्रैक्ट। तो ये क्या कर रहा है, अपने अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग में इस बॉल जो मास है इसके चलते देयर इज द स्पेस, स्पेस में कुछ चेंज हो रहा है। या सुनो, या सुनो, समझ में आ रहा है बात, ये पूरा का पूरा चेंज हो रहा है, इसके चलते क्या हो रहा है, ये फोर्स अपने आप एक तरह का एग्जॉशन फोर्स लगा रहा है। क्लियर है, इज इट क्लियर? यस सो सर, इट यस सर, मीन इट मीन इट मीन एक फील्ड यहां पर जनरेट हो रहा है, दिस समथिंग इज यू नो प्रोड्यूसिंग हेयर। वो क्या है, दैट इज हम लोग उसको डिफाइन करते हैं फील्ड के नाम से, लेट्स से वो क्या, वो हमारा फील्ड है, राइट। और ये फील्ड क्या है, दिस फील्ड इज नथिंग, इसको हम लोग मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल इसको एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकल टूल से इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। और वो क्या है, दैट डिस्क्राइब अ वन टाइप ऑफ फंक्शन। मैंने बताया था कि स्पेस में हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है, दैट असाइन समथिंग वे सम वैल्यू एट एवरी पॉइंट, एंड दैट इज मैथमेटिकली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ द सम फंक्शन, एंड दैट फंक्शन इज नथिंग बट द एफ ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड एट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, दैट असाइन, यू कैन से दैट असाइन अ वैल्यू टू एवरी पॉइंट, टू एवरी पॉइंट इन स्पेस। आप देख रहे, एक बॉल है, इस बॉल का अगर स्ट्रेच्ड आपका एक क्लॉथ है, तो हो क्या रहा है, यह हर एक पॉइंट पर कुछ ना कुछ आपका एक फंक्शन से वैल्यू दिया गया, कुछ फोर्स एक्ट हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। अब हो क्या रहा है, आप इसको बात को समझिए जरा, ये जो ब्लू क्लॉथ है यहां पर, कुछ देर के लिए समझ लीजिए कि ये ट्रांसपेरेंट क्लॉथ है, दैट इज इनविजिबल क्लॉथ। लेट से देयर सम टू चार्जेस आर कैप्ट, लेट से दिस पॉइंट ए एंड बी, देयर आर टू चार्जेस, देयर आर टू चार्जेस कैप्ट हियर, लेट से ए एंड बी। ओके, ए जैसे यहां पर चार्ज रख रहे हैं, और सब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका जो चादर है, ये जो ब्लैंकेट है, ये जो आपका सीट है, ये है ही नहीं, ये क्लिप से जो हमने किया दिखा रखा है ब्लू कलर का, ये ट्रांसपेरेंट इनविजिबल है। तो क्या हो रहा है, यहां पर कोई चार्ज रखा है आपने, जैसे ही चार्ज का मैग्नीट्यूड या चार्ज आप रख रहे हो, और दूसरा चार्ज इसके इसके वैल्यू इसके इसके पास में आ रहा है, या इस कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है चार्ज, तो होगा क्या, इसके चलते कोई ऐसा फील्ड, जैसे ही इस चार्ज के महसूस हुआ, एक फील्ड प्रोड्यूस हो जा रहा है, इसके चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा है जो इसके ऊपर वो ट्रांसमिट कर रहा है फोर्स को। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर, यस सो सर, दैट इज टाइप, दैट इज द फोर्स, राइट। सो हमने एफ एक्स वाई जेड से इसको रिप्रेजेंट किया है, दिट इज द फंक्शन। ओके, और ये कुछ भी हो सकता है, वी हैव सीन विद द एग्जांपल टेम्परेचर फील्ड हमने देखा था, ऑल्सो यू कैन इट कैन बी द वेलोसिटी फील्ड, राइट, वेलोसिटी इन पाइप, सो इट मे बी एनीथिंग। तो अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ थियरी ऑफ यू कैन से द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सवेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सवेल साहब ने मैथमेटिकली उसको ऐसे बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है साहब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड, और ये डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसे पता चलेगा, वी विल सी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड एंड मेजर्ड इन टर्म ऑफ फोर्स। अभी आपने देखा, अभी आपने कुछ देर पहले देखा है कि ये आपका जो इरिजन है इस स्पेस में, व्हेन यू टू पुट सब बॉल,
तो इस स्पेस में हर एक पॉइंट पर एक फोर्स की वैल्यू है, और जैसे ही दूसरा कोई चार्ज इस पे आता है वो फोर्स उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने की कोशिश करता है। ओके तो वो फोर्स महसूस करता है। ई इज आइडेंटिफाइड, ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज आइडेंटिफाइड और मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ओके, ऑन अ चार्ज, ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। व्हाई आई एम टेकिंग द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हियर, इट मींस वी आर जस्ट टेकिंग द क्यू नॉट इज द पॉजिटिव बाय कन्वेंशन, राइट, इट इज बाय कन्वेंशन। और ये है क्या, इट इज द टेस्ट चार्ज, यू कैन से यस ऑर नो, यट दिस इज टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। ओके सो व्हाट इज द की पॉइंट नाउ, व्हाट इज द की पॉइंट, key point is, my goodness, the key point is, first electric field is this is the, you know, this is called electric field, ye electric field, aur ye kya represent kar raha hai, ye represent kar raha hai electric field strength ko, the magnitude of that electric field। सेकेंड की पॉइंट है, क्यू नॉट हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। व्हाई इट इज वेरी वेरी स्मॉल, व्हाई इट इज वेरी वेरी स्मॉल, एनीवन कैन टेल मी, प्लीज जस्टिफाई व्हाई इट इज स्मॉल, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। सर उससे इम्पैक्ट ना पड़े, खुद का फील्ड जनरेट ना हो इसका। यस, हम टेस्ट करना चाहते हैं दूसरे का फील्ड। हम मान लो दिस इज सन, तो सन का क्या इलेक्ट्रिक, सन का क्या फील्ड है, ये इस तरह से इसके लिए टेस्ट चार्ज है, फॉर द सन दिस इज ऑनली द टेस्ट चार्ज। ओके तो हम उसके लिए चेक करना चाहते हैं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ना रहे, राइट, हम इसके चलते देखना चाहते हैं कि इस पर फील्ड, सॉरी सर, एक्चुअली 3:30 से हमारी क्विज है, मुझे गिव मी 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स, राइट, ओके Okay, sir. And third is the, or so E electric field is nothing but, you know, the limit of Q naught tends to zero, means the value of Q naught is very very small, and we are going to check the force, we are going to check the force due on what, on the test charge, on this test charge, but or ye iski value mein kya hota hai, very very small, it is, so you can say it is impossible to make zero, aisa koi charge nahi hai, so it is the unfeasible, you can say, however in mathematically it is defined like this, okay, and unit for the electric field is again Newton per coulomb, so it is just, this expression is just, you know, an operational operational, you can say the definition, operational definition, okay, so देखिए, तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस आप ऐसे कह सकते हैं कि आपने क्या समझा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसा स्पेस में, एक चार्ज के चलते स्पेस में हर एक पॉइंट पर कितनी फोर्स लग रहा है, या असाइन यू कैन से अ वेक्टर टू एवरी पॉइंट, every point in space, that is the electric field, nothing else, we have to assign some force, some vector, okay, to each and every point of the in this space due to that charge, but always remember, it is very very again important, electric field is independent, abhi hum dekhenge expression mein bhi, independent of test charge, is test charge ka koi matlab nahi hai, remember test charge q not, independent of test charge q not, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इसके चलते हम देखना है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नहीं देखना, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जो मेन चार्ज के चलते डेवलप हो रहा है, तो क्यू नॉट इंडिपेंडेंट है क्यू नॉट के, ओके, बट फोर्स पर यूनिट चार्ज हम चेक कर रहे हैं, हम वी आर चेकिंग द फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट रिप्रेजेंट एफ अपॉन क्यू नॉट रिप्रेजेंट फोर्स पर यूनिट चार्ज, ओके, मीन्स इट मीन्स वी नो द फोर्स अपॉन चार्ज,
or you can say that you may calculate any magnitude of F, any magnitude of F by multiplying the charge, by multiplying that charge, so you can calculate the electric field. Yes or no? Sorry. You can calculate any force, any magnitude of force, you can say, by multiplying in that electric field. Yes or no? Okay. So, last 1 minute, then I will finish. So, electric field is always represented by the field diagram. Okay. Let's say this is the positive charge. So, हमने कुछ इस तरीके से इसको represent करते हैं. So, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो हमने represent किया है, other point पे नहीं है. यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं. Each and every point has some certain value. Okay. Every value field exists at other point also. Other point also. In fact, every point. Okay. What is this arrow represent? This arrow indicate directional strength, you can say. Directional strength of that electric field. Okay. And also, the arrow represent field at one point only. At that point only. ठीक है, लेकिन अगर आप देखें जब पॉइंट में देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे, तो यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट अलग अलग है. सो वी कांट बी यू कैन से यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है, यहाँ पर कुछ स्ट्रेंथ है. एवरीथिंग इज चेंजिंग, क्योंकि स्पेस में हर एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो इट इज वेरी इंपॉसिबल टू जनरेट, देयरफॉर हम लोग को दिखाई नहीं देता वो, इसलिए हम लोग उसको बनाते ही नहीं है. रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर. Okay, yes. So tomorrow we will discuss about the in the next class, I mean, we will discuss the electric field due to the point charge, and in the vector form we will discuss, okay? Thank you.